तो यहाँ पे फर्स्ट एंड्रॉयड 16 का अपडेट आ चुका है हाइपर ओएस के साथ, जो कि हमारे डिवाइस के लिए अवेलेबल हुआ है। और आज के इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको ये पता लगने वाला है कि इन फ्यूचर अगर आपको एंड्रॉयड 16 मिलता है हाइपर ओएस के साथ, तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या बदलाव नजर आएगा, क्योंकि इंटरनल टेस्टिंग चालू हो चुकी है और उसी का एक रोम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहा है, जहाँ पे 4 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। और बिल्ड नंबर की बात करें तो वह है 2.0.25.0.4.27.1 और लास्ट में देख सकते हो DPP आपको लिखा हुआ मिलता है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले कि हाइपर ओएस एंड्रॉयड 16 के साथ आपको क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। डे के काफी ज्यादा निराशा होने वाली है, क्योंकि हाइपर ओएस था, MIUI था, उस समय भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड का जो नाम है 16, 14, 15 वही चेंज करते हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ चेंज बिग नया देखने को नहीं मिलता सिवाय नंबर चेंज के। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें मैंने नोटिस की है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फेस डाटा एज लॉक स्क्रीन आपको लिखा हुआ मिलता है, जो कि इसके पहले इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट था। साथ साथ सेटअप के टाइम पे मुझे एक दो चीज़ें डिफरेंट देखने को मिली, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आता है ना, कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, स्क्रीन लॉक और यहाँ पे फेस अनलॉक, जो कि अभी के टाइम पे आप सेटअप करोगे अपने फोन को रीसेट करने के बाद तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप फिंगरप्रिंट सेट करने आते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, जो कि पर्सनलाइज के अंदर है। और उसके बाद हम आते हैं अपने फिंगर के ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको नए आइकन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर मैं इसे स्किप करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ये आपका है जो वेब सर्वर से डाउनलोड होता है, उसके बाद ये आपको दिखने लग जाएगा, जिसे आप अपने ऑन स्क्रीन सेट कर सकते हो और आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्ट है। तो इस तरीके से ये सारे एनिमेशन आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं, जो कि देखने में काफी सही लगता है, बट देखते हैं कि ये कब तक सभी को मिलेगा। तो ये भी एक नया चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा आप सेटिंग में बहुत चीजें फाइंड करने की कोशिश करोगे कुछ नया देखने को मिले, तो ऐसा कुछ भी मुझे नया देखने को नहीं मिला है अभी के टाइम पे। मे बी अभी फिलहाल टेस्टिंग फेज में, तो आगे चल के और भी चीजें देखने को मिलेगी, बट अभी स्टिल फ्लोटिंग विंडो से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड, UI से रिलेटेड सारी चीजें आपको सिमिलर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर एडिशनल सेटिंग के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे वही फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, साइड बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कॉल, टूल बॉक्स, वीडियो, गेम और साथ साथ साइड बार का ऑप्शन आपको नजर आता है। इसके बाद अगर मैं बैक की ओर चलता हूँ तो यहाँ पे यूजर का, डेवलपर का सेटिंग, जो कि मैंने ऑन कर रखा है। उसके बाद बैटरी के अंदर हम आते हैं, तो बैटरी के अंदर आपको पता है स्क्रीन ऑन टाइमिंग पहले से ही गायब किया हुआ है, तो अभी स्टिल आपको ये गायब ही देखने को मिलता है, यानी एंड्रॉयड 16 आ चुका है बट इन्होंने स्क्रीन ऑन टाइमिंग अभी तक नहीं वापस ऐड करा है। साउंड के प्रोफाइल पे इन करने के बाद यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलती है, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता, सब कुछ वही है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Xiaomi Hyper का एक नया आइकन, साथ साथ नोटिफिकेशन वगैरह, तो ये आपको पहले ही देखने को मिलता था। इसके अलावा यहाँ पे सारी चीज आपको सिमिलर ही नजर आती है। अनदर यहाँ पे अगर हम आते हैं होम लॉन्चर में, तो होम लॉन्चर में कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ यहाँ पे हम आते हैं तो ये जो लेआउट है काफी टाइम पहले ही सामने आ चुका था, जिसे फिर से हटा के 4:5 और 5:6 किया गया था, तो ये चीज फिर से यहाँ पे देखने को मिली है। तो कुछ फीचर्स ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं, ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं, और वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है लॉन्चर से रिलेटेड, जो कि मैं कहूँगा कि हाँ भाई सब कुछ वैसा ही रखा गया है। वापस से सेटिंग के अंदर इन करेंगे तो नोटिफिकेशन के एरिया में आपको ये जो 2.2 हाइपर ओएस के अंदर मैंने बताया था कि ये फीचर्स मिलने वाला है, ये सेम आपको 16 पे भी मिलेगा, और इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही हो चुका है क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन करा है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। बट जो लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट को कस्टमाइज करने का फीचर्स ऐड हुआ था 2.2 के अंदर, वो चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, ये इस एंड्रॉयड 16 में मिसिंग है, मे बी बाद में ऐड होगा या फिर क्या पता ये लोग हटा भी दें। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आपको और ज़्यादा सेटिंग देखने को नहीं मिलता, सारी चीज़ें वही सिमिलर ही नज़र आती है। डिस्प्ले की बात करें तो ये लोग भाई MIUI 14 के टाइम से अभी तक इंडिविजुअल ऐप की लिस्ट को फिक्स नहीं कर पाए हैं, ना ही MIUI 14 में फिक्स हुआ था, ना ही यहाँ पे है जो हाइपर में फिक्स हुआ 1 और 2 में, और ये अब एंड्रॉयड 16 ऐप तो भी यहाँ पे नहीं है। जबकि ग्लोबल में अपडेट आता है तो यहाँ पे सारे ऐप के लिस्ट नज़र आते हैं, लेकिन चाइना वाले में अभी तक स्टिल नहीं दिखाई देता, और एक चाइना का ही वर्जन है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ऑटो ब्राइटनेस वगैरह आपका वर्किंग रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। रिफ्रेश रेट वगैरह आपको सेम सिमिलर देखने को मिलता है, इसमें कोई भी चेंज आपको दिखाई नहीं देता, जो कि सही है। बाकी यहाँ पे कलर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं वही चीज़ें, बट एक चीज़ मैंने डिफरेंट नोटिस की है, वो है रेटिंग मोड से रिलेटेड, जो कि आई हेल्थ नोटिफिकेशन का एक नया सेशन आपको दिखाई देता है, जहाँ पे इस तरीके से आपको वार्निंग दिखाई देगा जब भी आप जो लॉन्ग टाइम तक वगैरह यूज करते हो और लगता है कि भाई हाँ आपका आँख है जो इफेक्ट होगा इतना यूज करने के बाद, तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा अगर आप इसे ऑन रखते हो। तो ये भी एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देता है जो कि एंड्रॉयड 16 के अंदर नजर आएगा आपको।
बाकी यहाँ पे कनेक्टिविटी से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे सिमिलर ही दिखाई देगा, साथ साथ हॉटस्पॉट वगैरह के अंदर भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सिमिलर ही देखने को मिल जाता है। इंटरकनेक्टिविटी वगैरह भी आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। वॉल्यूम पैनल की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल भी आपका यहाँ पे सिमिलर ही रहता है, जिसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। बट हाँ, ग्रेडियंट इफेक्ट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। साथ साथ यहाँ पे जितने भी आइकन है सिस्टम डिफॉल्ट ना, ये थोड़े से ज़्यादा रिफाइन नजर आए हैं पहले वाले के कंपेरिजन में। तभी आप स्टिल यूज कर रहे होगे उसको और इसके आइकन को आप कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। बट एडिटिंग के बाद इस पर कलर थोड़ा डिफरेंट आएगा तो एक्यूरेट आपको नजर नहीं आ पाएगा वीडियो में, जो कि मुझे लगता है कि जब आप यूज करोगे तभी ये चीज़ आप फील कर पाओगे। कैमरे की बात करें तो यहाँ पे कैमरा आपको एंड्रॉयड 16 के अंदर 6.1 वाला देखने को मिलने वाला है बाय डिफॉल्ट, जो कि इसके अंदर ऐड किया गया है। तो ये आपको एक नया UI दिखाई दे देगा जब आप है जो एंड्रॉयड 16 पे अपग्रेड कर लोगे ऑफिशियली, तब ये आपको मिल जाएगा। तो इस कैमरे को आप अभी भी यूज कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है कैसे क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है। गैलरी की बात करें तो यहाँ पे एडिट के सेशन में आपको देखने को मिलते हैं वही सारे UI। तो ये तो भाई बेसिक फीचर्स बाद में भी अपडेट होते रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ खास आपको नया देखने को नहीं मिलता। तो अभी के टाइम पे एंड्रॉयड 16 और HyperOS के कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे बिग चेंज के नाम पे कुछ भी नया नहीं है सिवाय एक चीज के, वो है आपका एंड्रॉयड वर्जन 15 से 16 हो जाना, क्योंकि इनके साथ हमेशा ऐसा ही होता हुआ आया है। बस यहाँ पे जो लोगो चेंज हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है, और पूरा का पूरा सिस्टम UI आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था एंड्रॉयड 16 से रिलेटेड जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।